Hello everyone, in this video we are going to learn about satellite communication. हम लोग satellite communication के बारे में पढ़ेंगे, satellite कैसे काम करता है, कब लॉन्च हुआ था, उसका application कहाँ है, कहाँ कहाँ use करते हैं, uplink frequency क्या होता है, downlink frequency क्या होता है, different सारा चीज़ को यहाँ पर हम लोग दिखेंगे. तो satellite की बात करें तो satellite क्या है, देखिए यहाँ पे द आइडिया ऑफ सेटेलाइट थ्रू द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेटेलाइट वाज कंसिप्ट बाय. सबसे पहले कौन ये कम्युनिकेशन थ्रू सेटेलाइट मीन सेटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे पहले कौन आइडिया दिया, ऑर्थर सी क्लार्क जो ब्रिटिश के साइंस फिक्शन राइटर थे, उन्होंने सबसे पहले सेटेलाइट कम्युनिकेशन का आइडिया दिया. आर्थर सी क्लार्क ए फेमस ब्रिटिश साइंस फिक्शन राइटर इन 1945 कब दिया, 1945 में. सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो आइडिया है ब्रिटिश के साइंस फिक्शन राइटर थे आर्थर सी क्लार्क उन्होंने इसका आइडिया दिया. उसके बाद जो फर्स्ट मैनमेड सेटेलाइट था, जो मैनमेड मीन्स जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जो फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट था वो कब लॉन्च हुआ था, 1957 में. फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय यूएसएसआर लॉन्च किया था पहला मैनमेड सैटेलाइट कब, 1957 में. उसका नाम क्या था, स्पुतनिक वन जो है वो पहला सैटेलाइट था जो यूएसएसआर जो है लॉन्च किया था 1957 में. उसके बाद जो है अर्ली सेट वन आया जिसका निकनेम था इंटल सेट वन जिसका निकनेम क्या था, अर्ली बर्ड. वो जो है सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, वो 6 अप्रैल 1965 में लॉन्च हुआ. और कौन लॉन्च किया, यूएसए ने लॉन्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो यूएसए ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कौन था, इंटेल सेट वन जिसका निकनेम था अर्ली बर्ड. वो 6 अप्रैल 1965 को ये सैटेलाइट लॉन्च किया था. अब हम लोग सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, मैनमेड बॉडी है जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है. आर्टिफिशियल बॉडी डैट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट. सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो प्रोजेक्टेड होता है अर्थ से और रिवॉल्व करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है अराउंड द अर्थ इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट. कोई पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होता है, वो रिवॉल्व करता है. इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ड्यू टू द बैलेंस ऑफ फोर्स बिटवीन इनर्सिया ऑफ रिवॉल्विंग सेटेलाइट एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ओरिएंटेड बॉडी. ये जो है रिवॉल्व करता है, कोई पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सैटेलाइट, और ये जो है बैलेंस रहता है ड्यू टू, ये जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है किसके कारण, ये बैलेंस रहता है टू द बैलेंस ऑफ फोर्स बिटवीन, ये फोर्स जो है इसका बैलेंस रहता है किसके बीच में, इनर्सिया ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, जो रिवॉल्विंग सैटेलाइट है उसका इनर्सिया एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ओरिएंटेड बॉडी, ये दोनों के बीच का जो है फोर्स जो है बैलेंस रहता है जिसके कारण क्या होता है, वो रिवॉल्व करता है पार्टिकुलर ऑर्बिट में. ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज बेसिकली माइक्रोवेव लिंक रिपीटर. एक जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो बेसिकली क्या होता है, माइक्रोवेव लिंक रिपीटर होता है. मीन्स रिपीटर मीन्स 1, 2, 3 माइक्रोवेव लिंक रिपीटर होता है, ठीक है. इट्स हाइट अबव द अर्थ मीन्स दैट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर डिस्टेंस दैट आर वेरी मच ग्रेटर देन द लाइन ऑफ साइट. कह रहा है इट्स का जो हाइट होता है, सैटेलाइट का जो हाइट होता है वो अर्थ से क्या होता है, ऊपर होता है, बहुत ही ऊपर होता है. दैट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर डिस्टेंस. सिग्नल जो है अर्थ से कहाँ होगा, सैटेलाइट में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं जो काफ़ी दूर होता है, जो आपका लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस जो होता है उससे काफ़ी दूर होता है. जैसे कि ट्रांसमिटिंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना है, तो ये जो होगा सामने, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया जिसमें कोई अवरुद्ध पैदा ना करे. तो इसका जो डिस्टेंस होता है सैटेलाइट का वो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस से काफ़ी ऊपर होता है, काफ़ी हाइट पे होता है.
एन अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट द सिग्नल अप टू सैटेलाइट दिस कॉल्ड अपलिंग एंड इट ट्रांसमिटेड ऑन वन फ्रीक्वेंसी। कह रहा है एक अर्थ स्टेशन जो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कहाँ तक, अप टू सैटेलाइट, सैटेलाइट तक जो ट्रांसमिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका एक कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है और डाउनलिंक एक होता है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट से क्या होता है, यहाँ से देखिए ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन है, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन से क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा कहाँ तक, अप टू सैटेलाइट तक जाएगा। तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक उसको हम लोग बोलते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी। और जो जो है सैटेलाइट के पास सिग्नल आया फिर यहाँ से क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा, ये रिसीव करेगा सैटेलाइट और फिर क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा। रीट्रांसमिट जो होगा कहाँ आएगा, रिसीविंग अर्थ स्टेशन के पास आएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी ये जो ट्रांसमिट होगा उसको हम लोग डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो अर्थ स्टेशन से ट्रांसमिट होके सैटेलाइट तक जाता है सिग्नल उसको हम लोग क्या करते हैं, अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी अप टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक, इसको अपलिंक बोलते हैं। एंड इज ट्रांसमिटेड ऑन वन फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी पे ये ट्रांसमिट करता है। द सैटेलाइट रिसीव द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट इज कॉल्ड डाउनलिंक विच इज अनदर फ्रीक्वेंसी। और जो सैटेलाइट रिसीव करेगा और फिर क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा कहाँ, रिसीविंग एंटीना के पास, रिसीविंग अर्थ स्टेशन के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनलिंक बोलते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं, जिसका कोई एक अदर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखे सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, कौन इनको ये फर्स्ट कब से आया, कौन था USSR सबसे पहले लॉन्च किया इसको, फिर हम लोग देखे USA का पहला सैटेलाइट था और Intelsat 1 जिसका निकनेम था अर्ली बर्ड, फिर हम लोग देखे सैटेलाइट क्या होता है, कैसे आपका अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखिए अपलिंक का यहाँ देखिए डिफिनीशन की बात करें तो अपलिंक क्या होता है, द कम्युनिकेशन गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू ए सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। ग्राउंड से सैटेलाइट जाएगा, नीचे से ऊपर, ग्राउंड से सैटेलाइट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपलिंक फ्रीक्वेंसी। और सैटेलाइट से फिर ग्राउंड जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो चढ़ाई, और जो उतारने वाला होगा ढलाई हुआ वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होगा, चढ़ाई उतराई। तो डायरेक्शन देखिए, ये आपका इधर सिग्नल जा रहा है और ये जो है इधर आ रहा है, तो ये आपका डाउनलिंक हो गया। डाउनलिंक क्या कर रहा है, द कम्युनिकेशन गोइंग फ्रॉम सैटेलाइट टू ग्राउंड, सैटेलाइट से ग्राउंड की ओर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनलिंक बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोंडर क्या होता है। तो ट्रांसपोंडर क्या होता है, जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर होता है वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। जो सिग्नल अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की ओर जाता है उसको क्या करता है, सैटेलाइट ट्रांसपोंडर उसको रिसीव करता है, फिर उसको एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट कर देता है रिसीविंग एंटीना के पास। पहले जो आपका बेस स्टेशन है वहाँ से ट्रांसमिट होगा सिग्नल, उसको ट्रांसपोंडर क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद फिर एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद फिर क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा ग्राउंड की ओर। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है ए सैटेलाइट ट्रांसपोंडर रिसीव्स सिग्नल्स ओवर ए रेंज ऑफ अपलिंक फ्रीक्वेंसी। सैटेलाइट ट्रांसपोंडर क्या होता है, करता है, रिसीव करता है सिग्नल को कितना तक, अप टू अपलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो होता है वहां तक रिसीव करता है, यूजली फ्रॉम ए सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक, जो ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल जाता है उसको वो क्या करता है, रिसीव करता है अपलिंक फ्रीक्वेंसी तक। द ट्रांसपोंडर एम्पलीफाइज देम, जो सिग्नल वो रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा सिग्नल उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, एंड रीट्रांसमिट देम ऑन ए डिफरेंट सेट ऑफ डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी टू रिसीवर्स ऑन अर्थ। अब क्या करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद क्या करेगा, फिर क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा उस सिग्नल को कहाँ, ग्राउंड स्टेशन तक, अर्थ का पर जो रिसीवर है वो क्या करेगा, फिर उसको रिसीव करेगा, और वो जो ट्रांसमिट करेगा उसका क्या होगा, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के रेंज में, अपलिंक फ्रीक्वेंसी के रेंज में वो एक्सेप्ट करेगा सिग्नल को, और फिर उसको एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट कर देगा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में। ऑफन
विदाउट चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल और सिग्नल, बिना कोई सिग्नल जो रिसीव करता है उसमें कोई चेंजिंग किए हुए क्या करता है, वो प्रायः ट्रांसमिट कर देता है। तो सेटेलाइट ट्रांसपोंडर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है अपलिंक फ्रीक्वेंसी तक, फिर उसको एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करके फिर क्या करता है, रिट्रांसमिट कर देता है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी तक अर्थ स्टेशन पे। अर्थ पे जो रिसीवर लगा हुआ है, जो रिसीविंग एंटीना, वो क्या करेगा, फिर रिसीव कर लेगा। तो ट्रांसपोंडर का यही काम है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन। सेटेलाइट कम्युनिकेशन का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो इसका वाइडली यूज होता है, हर फील्ड में इसका यूज होता है। आप देखिए वेदर ब्रॉडकास्टिंग, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज होता है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज होता है। रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी सेटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज होता है। नेविगेशनल सेटेलाइट, नेविगेशनल सेटेलाइट के लिए भी इसका यूज होता है। ग्लोबल टेलीफोन, ग्लोबल टेलीफोन के लिए इसका यूज होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो आप बात करते हैं तो वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल होता है। कनेक्टिंग रिमोट एरिया, रिमोट एरिया जो दूर दराज का एरिया है, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता है, जहाँ पे आप केबल वायर नहीं बिछा सकते हैं, वहाँ पे सेटेलाइट की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जो रिमोट एरिया है, दूर दराज का एरिया है, सपोज कीजिए समुद्र है, समुद्र के उस पार है, तो सेटेलाइट अगर आपका ऊपर में सेटेलाइट लगा हुआ है तो वहाँ से सिग्नल जो ट्रांसमिट होगा वो सभी जगह ट्रांसमिट होगा, वो आइदर रिमोट एरिया हो या मेन लोकेशन हो, हर जगह ये ट्रांसमिट हो सकता है सिग्नल। तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है रिमोट एरिया में पॉसिबल है, क्योंकि ये ऊपर रहता है आपका तो पॉसिबल है, जहाँ पे केबल वायर नहीं जा सकता है, हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वहाँ पे सेटेलाइट कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं दूर दराज एरिया में। ग्लोबल मोबाइल कनेक्शन, जो आप एक कंट्री से दूसर कंट्री बताते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट आप बताते हैं, तो वो ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन मीन्स आप ग्लोबली इसके सेटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। ये सेटेलाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बात कर लेते हैं कहीं भी। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के सर्फिंग के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन का। मिलिट्री पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, तो इसका क्या है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन का वाइडली यूज है, वाइडली यूज है। आप देख रहे हैं हर जगह पे इसका यूज है, डे टू डे लाइफ से लेके मिलिट्री पर्पज, डिफेंस, हर जगह इसका यूज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।